तीन प्रकार के गुरु या शिक्षक होते हैं, कैरिस्मेटिक, मेथोडिकल और नेचुरल। पहला कैरिस्मेटिक। कैरिस्मा एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है आत्मा, पूर्ण रूप से आत्मा से भरा हुआ। कैरिस्मेटिक गुरु इतना आत्मा से भरा होता है कि यदि तुम उसके पास जाओगे तो तुम सम्मोहित हो जाओगे, उनके दास बन जाओगे। वह इतना शक्तिशाली होता है कि वह तुम्हारी परवाह किए बिना तुम्हारी आत्मा से तुमको खींचना शुरू कर देगा, वह तुम्हारा गुरु हो जाता है। एक असली गुरु कभी भी तुम्हें सम्मोहित नहीं करता, वो कोई लीडर की तरह नहीं होता, वो तुम्हें आकर्षित नहीं करता, क्योंकि अगर शिष्य सम्मोहित हो जाए तो उसका अस्तित्व मिट जाता है और असली गुरु कभी ऐसा होने नहीं देता। जब तुम ऐसे किसी गुरु के संपर्क में आते हो तो तुम्हारी खुद की जड़ें कभी नहीं बन पाती, तुम हमेशा उस गुरु की छत्र छाया में ही बढ़ते हो। तुम सोच सकते हो कि पेड़ सुरक्षित है, लेकिन बड़े पेड़ के नीचे बढ़ना असंभव है। कैरिस्मेटिक व्यक्ति खतरनाक होता है और लोग आकर्षक व्यक्ति की ओर बहुत आकर्षित होते हैं। आकर्षक व्यक्ति कभी भी सच्चा गुरु नहीं होता, वह लोगों को अपना दास बना लेता है। एडोल्फ हिटलर कैरिस्मेटिक है, मुसोलिनी कैरिस्मेटिक है, जितने भी राजनीतिक हैं वो कैरिस्मेटिक होते हैं। उन्हें लोगों को नेतृत्व करना पड़ता है, उन्हें लोगों को गुलाम बनाना पड़ता है, उन्हें दबाव और निर्देश देना पड़ता है। दूसरे प्रकार का गुरु एक शिक्षक, फिर एक गुरु और फिर एक नेता होता है, जिसको हम मेथोडिकल कहते हैं। वह आत्मा का उपयोग नहीं करता, वह केवल तुम्हें विद्या देता है, पहले से बेहतर, क्योंकि वह तुम्हें कभी गुलाम नहीं बनाएगा। तीसरा नेचुरल यानी प्राकृतिक गुरु है, प्राकृतिक चिकित्सक। वह तुम्हें कभी नेतृत्व नहीं करता, वह तुम्हारा अनुसरण भी नहीं करता, वह तुम्हारा साथ देता है, वह केवल तुम्हारा हाथ थामता है, वह एक मित्र है। प्राकृतिक गुरु सबसे अच्छा है लेकिन सबसे कम आकर्षक। वह बहुत सरल और साधारण है, उसके पास कोई करिश्मा नहीं है, वह तुम्हें सम्मोहित नहीं करता और वह बहुत विधि परक नहीं है, वह बहुत तकनीकी नहीं है, वह बहुत वैज्ञानिक नहीं है, वह अधिक कवितामय है, वह अधिक अराजक है, वह अधिक प्राकृतिक है, जैसे प्रकृति अराजक होती है। असली गुरु एक नेचुरल प्राकृतिक व्यक्ति होता है, उसे करिश्मा पर विश्वास नहीं होता, वह विधियों पर भी विश्वास नहीं करता, भले ही वह उनका उपयोग करे फिर भी उन पर विश्वास नहीं करता। वह एक बहुत सहज और स्वाभाविक व्यक्ति होता है, बहुत साधारण। वो भीड़ में खो सकता है और तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे, इसलिए वो कभी तुम्हारा नेतृत्व नहीं करता। वह तुम्हारे मित्र की तरह होता है, तुम्हारा साथ देता है, तुम्हारा हाथ थाम सकता है, तुम्हारा मित्र बन सकता है। याद रहे, असली गुरु तुम्हें बांधता नहीं है, मुक्त करता है। तुम्हें अपने पर आसक्त नहीं होने देता, बल्कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होने का प्रोत्साहन देता है। वह मैत्रेय है, एक परम मित्र। प्रणाम।